इन्होंने डाला है ढेर सारा चीज़, इसमें इन्होंने डाला है पनीर है, इसमें कैप्सिकम है, शेजवान सॉस है इसमें, ये देखिए। और ये देखने में तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। जैसे इसमें इन्होंने शेजवान सॉस डाल दिया, उसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ रहा है, चीज़ का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। और पनीर इसमें इन्होंने डाला है, उसका भी बहुत बढ़िया फ्लेवर आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें से कोई भी चटनी या मुझे इसमें सांभर लेने की ज़रूरत है, ये वैसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है।
हमने अपने लिए ऑर्डर कर लिया है ये बढ़िया सा जीरी डोसा जो बनकर हमारे सामने बिल्कुल रेडी होके आ चुका है। वैसे हम मेकिंग में देख ही चुके हैं कि इसमें इन्होंने क्या क्या डाला है, बट मैं आपको बता दूं कि इसमें इन्होंने डाला है ढेर सारा चीज़, इसमें इन्होंने डाला है पनीर है, इसमें कैप्सिकम है, शेजवान सॉस है इसमें, ये देखिए। और ये देखने में तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। अब हम करते हैं इसकी टेस्ट। सबसे पहले मैं सिंपल डोसे की एक बाइट लेना चाहूँगा। शेजवान सॉस डाल दिया, उसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ रहा है, चीज़ का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, और पनीर इसमें इन्होंने डाला है उसका भी बहुत बढ़िया फ्लेवर आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें से कोई भी चटनी या मुझे इसमें सांभर लेने की ज़रूरत है, ये वैसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। अगर मैं बात करूँ इसके टेस्ट की तो डेफिनेटली ये दिल्ली में वन टेस्ट। जब तक मैं करती हूँ बढ़िया से जीनी डोसा को फिनिश, तब तक आप जाइए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने नियर एंड डियर वर्क के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।